इस वीडियो में हम राजस्थान में जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो राजस्थान में जल संरक्षण से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय लिए हुए। कौन सी एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो जल संरक्षण की विधि कौन कौन सी परंपरागत, पहले तो हम देखते हैं। नाड़ी है, नाड़ी, टांका और तालाब। ये परंपरागत संरक्षण की विधियां हैं और खड़ीन जो है ये परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। शेखावाटी क्षेत्र में अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत किस नाम से जाने जाते हैं? इनको जौहड़ के नाम से जाना जाता है, जौहड़, जौहड़ के नाम से जाना जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित परंपरागत वर्षा जल संरक्षण पद्धति किस नाम से जानी जाती है? तो इसको खड़ीन के नाम से जाना जाता है, खड़ीन, खड़ीन जैसलमेर में है, खड़ीन जैसलमेर में है। जैसलमेर में है खड़ीन। नेहटा और कुई प्रकार है, नेहटा और कुई जल संरक्षण के प्रकार है। जल संरक्षण, जल संरक्षण विधि के प्रकार है। राजस्थान में जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? राजस्थान में जल नीति 2010 में अपनाई गई थी, 2010 में अपनाई गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का स्रोत है कुआं व नलकूप, कुआं व नलकूप, नलकूप जिसको ट्यूबवेल कहते हैं, बोरिंग। राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है जयपुर जिले में, जयपुर में सबसे ज़्यादा नलकूप और कुएं हैं।